नमस्कार, मैं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब के सी टीवी हरियाणा। गुरुग्राम के PW रेस्ट हाउस के अंदर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंच रहे हैं और बता दूं कि यहां पहुंचकर 3 योजनाओं का जो है उद्घाटन शिलान्यास किया जाएगा, जिसमें से पहली गुरुग्राम के सेक्टर 102-110 तक जो जल आपूर्ति है उसको लेकर के एक जल आपूर्ति वितरण प्रणाली का आज उद्घाटन यहाँ किया जाएगा। साथ में नगर निगम की लगभग 17 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली मल्टीनेशनल जो इमारत है, पार्किंग है, इसके अंदर 3 बेसमेंट पार्किंग के होंगे और एक फ्लोर इमारत का होगा, उसका उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही बंदवाड़ी में 25 मेगावाट का बिजली प्लांट लगाया जाएगा, जो कि एनर्जी प्लांट होगा, जिसको कि जो कूड़ा करकट है गुरुग्राम का उसको इकट्ठा कर बंदवाड़ी प्लांट में डाला जाता है और उसके माध्यम से उस कूड़े करकट से जो है बिजली बनाई जाएगी। ये जो 3 परियोजनाएँ हैं, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गुरुग्राम पहुँचे हैं, यहाँ पहुँचकर इन 3 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास गुरुग्राम से किया जाएगा। और गुरुग्राम के GMDA की जो 9वीं बैठक है वो भी आज की जा रही है। मैं इस वक्त गुरुग्राम के PW रेस्ट हाउस के अंदर हूँ, जहाँ पर सामने इस हॉल के अंदर ये पूरी बैठक चल रही है और इस बैठक के अंदर कौन कौन से मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, किस तरीके से सारा ये प्रोग्राम रहेगा, हम सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े रहें और इस खबर को ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो लाइव है वो लाइव तस्वीर हम बैठक की आपको अब दिखाने वाले हैं। अब से कुछ ही मिनटों के बाद जो है मीडिया की एंट्री अंदर हॉल के अंदर होगी और वहाँ से जो है बैठक को पूरा लाइव आपको दिखाया जाएगा, किस तरीके से बैठक जो है चल रही है, कितने अधिकारी वहाँ मौजूद है, कौन कौन से विधायक यहाँ मौजूद हैं। ऐसे में सभी लोगों की जो समस्त जानकारी है वो पंजाब केसरी के माध्यम सबसे पहले आपको फिलहाल दी जा रही है और जो लाइव तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाई जाएंगी। पूरा ये गुरुग्राम का विश्राम गृह है, जहाँ पर अक्सर जो है मुख्यमंत्री आते हैं और ऐसे में जो योजनाएं हैं वो अक्सर यहाँ से शिलान्यास जो है उनका किया जाता है, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाए या फिर व्यक्तिगत तौर पर पहुँचकर किया जाए। तो आज जो खबर है सबसे बड़ी यही है कि जो 3 परियोजनाएं उनको शुरुआत की जा रही है, चाहे 117 करोड़ से बनने वाली नगर निगम की मल्टीनेशनल पार्किंग की बात करें, इमारत की बात करें, या फिर जल आपूर्ति को लेकर के जो योजना है, जल आपूर्ति योजना की शुरुआत गुरुग्राम के सेक्टर 102-110 से मानी जा सकती है और साथ में जो परियोजनाएं हैं वो भी आज की जाएंगी। और बंदवाड़ी का जो बंदवाड़ी के अंदर कूड़ा डाला जाता है पूरे गुरुग्राम का, उस कूड़े को लेकर भी जो है एक 25 मेगावाट बिजली बनाने का प्लांट लगाया जाएगा, जिसका शिलान्यास आज किया जाएगा, जिससे कि उस कूड़े को इस्तेमाल कर रिसाइकल कर जो है बिजली बनाई जा सके और जो लोगों के काम आ सके। इन 3 परियोजनाओं पर आज हरियाणा के प्रदेश के मुखिया मनोहर खट्टर जो है गुरुग्राम पहुंचे हैं और ऐसे में जो लागत है अगर हम बात करें तो सभी की जो है अलग अलग लागत है और जो परियोजनाएं हैं कहीं ना कहीं इसका सीधे तौर पर फ़ायदा जो है गुरुग्राम के लोगों को पहुंचेगा, गुरुग्राम के वासियों को पहुंचेगा, चाहे हम बिजली की बात करें, चाहे जल आपूर्ति की बात करें या फिर जो नगर निगम की इमारत जिसके अंदर 3 बेसमेंट जो है पार्किंग के बनाए जाएंगे और एक कमर्शियल फ्लोर रहेगा। तो ऐसे में इन तीनों ही चीज़ों का जो फ़ायदा है सीधे तौर पर, हालांकि बहुत लंबे समय से जो है मांग उठ रही थी इन तीनों परियोजनाओं को लेकर के, लगातार जो लोग थे गुरुग्राम के वो ये मांग करते नज़र आ रहे थे कि एक मल्टीनेशनल जो पार्किंग है वो मल्टीलेवल पार्किंग जो है सदर बाजार के आसपास हो, जिससे कि जो है सदर बाजार में अतिक्रमण ना हो, अतिक्रमण जो दुकान वाले कर लेते हैं और वाहन होते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है जगह नहीं बचती सदर बाजार के अंदर, और सेक्टर 110-102 के पास जो जल आपूर्ति के लिए जो परियोजना लाई गई है, कहीं ना कहीं जो पानी की जो पूर्ति है उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं इस योजना की शुरुआत जो है मुख्यमंत्री कर रहे हैं, और बंदवाड़ी जो कूड़े का प्लांट है उसको लेकर भी परियोजना है। तो कहीं ना कहीं इस परियोजना का जो फ़ायदा है सीधे तौर पर जो लोग हैं गुरुग्राम के उनको होने वाला है और इस खबर से संबंधित जो लोग होंगे, जिन लोगों को सीधे तौर पर फ़ायदा पहुँचेगा उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। मगर अब जो तस्वीरें हम अपने माध्यम से दिखा रहे हैं आपको कि जो मुख्यमंत्री हैं वो गुरुग्राम रेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं और यहाँ से जो है थोड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ बने रहें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, जिससे कि लोगों तक जो समस्त जानकारी है वो पहुँचती रहे। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की 9वीं बैठक में आज शिरकत कर रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गुरुग्राम PW रेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं, 3 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है। उसमें पहली जल आपूर्ति वितरण प्रणाली परियोजना का उद्घाटन आज किया जाएगा, जो कि गुरुग्राम के सेक्टर 102-110 तक की जाएगी। गुरुग्राम नगर निगम की 117 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इमारत का भी शिलान्यास आज किया जाएगा।
और बंदवाड़ी में 25 मेगावाट बिजली बनाने के लिए एनर्जी प्लांट का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन तीन परियोजनाओं को लेकर प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर गुरुग्राम पहुँचे हैं। गुरुग्राम का दौरा है और जो सौगात है वो गुरुग्राम के लोगों को आज दी जाएगी। कहीं ना कहीं अगर कूड़े की हम बात करें तो गुरुग्राम में नगर निगम के आने के बाद से ही जो है कूड़े की बहुत बड़ी समस्या लगातार बनी हुई थी। ऐसे में कूड़ा डंपिंग स्टेशन बनाने को लेकर के जब लोगों की नाराज़गी लगातार एक के बाद एक सामने आई, जिसमें लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कूड़ा डंपिंग होने से जो है पूरे इलाके में बदबू रहती है और लोगों को परेशानियाँ होती हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कूड़े से अगर बिजली बनाई जाती है तो सीधे तौर पर ये माना जा सकता है कि जो लोग हैं इस डंपिंग स्टेशन वाली जो बात है, कूड़े के पड़े रहने वाली जो बात है, कहीं ना कहीं वो हल हो पाएगी। कूड़े का इस्तेमाल अगर बिजली बनाने में होगा तो कहीं ना कहीं जो गंदगी है वो कम होगी और कूड़ा जो है काम आ सकेगा। गुरुग्राम के तमाम जो वार्ड हैं वहाँ सभी जगहों से जो है कूड़े को उठवाया जाता है गाड़ियों के माध्यम से, इको ग्रीन की गाड़ियों के माध्यम से, और एक जगह जो है गुरुग्राम के बंदवाड़ी इलाके में उसको डंप किया जाता है, डाला जाता है, और वहीं पर ये प्लांट जो है 25 मेगावाट का बनाया जाएगा, जो कि इस पूरे बनवाए जाने के बाद 25 मेगावाट तक की जो है बिजली बनाने का ये प्लांट काम करेगा। 117 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली नगर निगम की इमारत का भी आज शिलान्यास किया जाएगा गुरुग्राम में, और 9वीं बैठक गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की वो भी आज होने जा रही है, और जल आपूर्ति वितरण प्रणाली परियोजना का उद्घाटन भी आज किया जाएगा। उद्घाटन और शिलान्यास दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उद्घाटन तैयार होने के बाद किया जाता है और शिलान्यास जो है शुरुआती तौर पर जब किसी चीज़ की नींव रखी जाती है। तस्वीरें हैं पंजाब केसरी के माध्यम से सीधे तौर पर लाइव आपको दिखाई जा रही हैं। गुरुग्राम के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। सोना से विधायक संजय सिंह और गुरुग्राम के जो तमाम बड़े आला अधिकारी वो यहाँ मौजूद हैं। सभी लोग गुरुग्राम पुलिस से लेकर जो गार्ड हैं वो सभी मौजूद हैं यहाँ पर, और बैठक जो है कुछ ही देर में शुरू कर दी जाएगी GMDA की 9वीं बैठक। मगर कुछ तस्वीरें हम आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे सीधे तौर पर लाइव पंजाब केसरी के माध्यम से। कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है, किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी सभी बातें जो हैं साफ हो जाएंगी समय रहते। फिलहाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गुरुग्राम के PWD रेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं, जहां पहुंचकर तीन परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया जाना है और बताना चाहूँगा कि तीनों ही जो परियोजनाएँ हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। चाहे हम बंदवाड़ी प्लांट की बात करें जहां से 25 मेगावाट बिजली बनाई जाएगी, चाहे हम सेक्टर 110 102 में जल आपूर्ति जो वितरण प्रणाली का उद्घाटन उसकी बात करें, तो सभी जो योजनाएं हैं वो महत्वपूर्ण है लोगों के लिए, जिलावासियों के लिए, और कहीं ना कहीं जो आज के दिन प्रदेश के मुख्य मनोहर खट्टर ने जो सौगात जो है गुरुग्राम के लोगों को सौंपी है कहीं ना कहीं ये काबिल तारीफ है। और ऐसी लाइव तस्वीरें हमारे माध्यम से आपको दिखाई जा रही हैं। हम बैठक की तस्वीरें भी आपको लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे। बैठक में कौन कौन अधिकारी और कौन कौन मंत्रीगण शामिल हैं उनको दिखाने की हम कोशिश करेंगे, आपको जरूर दिखाया जाएगा पंजाब केसरी के माध्यम से। सबसे पहले पंजाब केसरी का जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी खबरों को, जन समस्या से संबंधित, समाज से संबंधित खबरों को समय रहते दिखाना, और ये लाइव
आराम से भाई आराम से एक एक धीरे धीरे चलो पत्थर मत सारे पूरा तरीके से दिखाइए और ठीक है जल्दी अरे थोड़ा सा बोलते तब पूरा विलम्ब हो गया तुम लोगों को और नाम आपको जनकर्मियों की होगी नहीं ठीक है भाई हमारे देश के इतने बड़ी क्षति हुई है जो रावत ने शादत भी है
शुरू से करीब सर हमारे चलाइए सर ये गुड़गांव के नए सेक्टर से हैं जो दिख रहे हैं सर येलो ग्रीन और ग्रीन और ब्लू में तो अब ये ब्लू वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला वहां पर हमने ये वाटर सप्लाई स्कीम का यहाँ पर हमने आज सेक्टर 110 है तो 15 सर 102 से 115 तक है तो 102 से 110 आज हम कर रहे हैं बाकी पाँच वो भी काम चल रहा है सर वो भी 15 दिनों में और कम्प्लीट हो जाएगा तो आज हमने 102 से 110 का आपसे स्टार्टिंग कराया अगला करी तो ये सर चंदू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पे ये हमारे बहुत बड़े बड़े टैंक्स बने हुए हैं उनसे पानी ले जा रहे हैं सर इस तरह की बड़े हाई डायमीटर की पाइप्स लगाई हैं एक बड़ा इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा काम था दिन रात काम हुआ है सर आपको फोटोग्राफ दिखाएंगे सर रात को भी काम हो रहा है दिन को भी काम हो रहा था एक बिल्कुल मिशन मोड पे इस काम को हमने खत्म करने की ये रात को भी काम किया है सर कोशिश की है और ये जोन 7 में जो ये सेक्टर्स है वहाँ पर हम ये पानी लेके इस ढंग से जा रहे हैं सर और सभी सेक्टर्स के अंदर 102 से 110 उनकी मास्टर रोड्स पर हमने अपनी वाटर सप्लाई लाइन डाल दी है और उसके अंदर सेक्टर्स के अंदर जो जिन्होंने लाइसेंस ले रखा है उसी दे रखे हैं उनको मिलेगा ये आवाज कहीं आ रही ये सर वहाँ के एक सर वहाँ का गांव भी जो है तो उस खेत की माजरा गांव के लोगों को भी पानी पहुँचा है इससे सर ना केवल उनके सेक्टर्स में तो उन लोगों की कुछ प्रतिक्रियाएं थी ये आए भी हुए हैं सर खेत की माजरा से अच्छा तो ये आवाज कहीं आई आप आए हैं ये खड़े हैं जी यही है सर इधर भी खड़े हैं इधर भी खड़े हैं तो आपका पानी ठीक ठाक पहुंच गया है आपने इसमें जिक्र किया था वीडियो में DMDA की बड़ी मेहरबानी है सर हमारे गांव में पानी पहुंचाने का बहुत बड़ी कट किया है उन्होंने बोलो धन्यवाद धन्यवाद ही बोल रहे थे सर आपका और MLA साहब का ये धन्यवाद बोल रहे थे MP साहब का सबका ये कह रहे थे मैं नंबरदार खेल की बात ना बोलते सर जी जी ठीक आइए प्लीज धन्यवाद सर आपको और सर ये मैं आपका आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि बाकी जितने 58 से 115 जितने बाकी सेक्टर्स बचे हुए हैं सब में हम मार्च 2023 तक 2022 तक पानी हम सबसे चर्चा भी हो रही थी तो मैं कुछ कर रहा था।